नहीं, कोर्ट का हमें कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा, हमें कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा। सर ओबीसी पूछेंगे, कोई और भी पूछेगा सवाल? यहाँ क्यों भेदभाव कर रहे भाई ओबीसी वालों? तुम ये यात्रा नहीं है, ये इस कगार पे खड़ा कर दे रहे हैं कि पिछड़े और दलित मिलकर के रिजर्वेशन रेवोल्यूशन की तरफ मुड़ जाएं। कहाँ भेदभाव नहीं है, हर जगह भेदभाव है। और जो व्यापारी बता रहे हैं, अभी अयोध्या के लोग बता रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि कारोबार और उद्योग में गुजरात के लोगों के लिए आरक्षण कर दिया गया है। यहां आरक्षण खत्म हो रहा है, किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, लेकिन कारोबार और व्यापार में गुजरात के लोगों के लिए विशेष आरक्षण दिया जा रहा है। जी 2012 में और 2017 में आपकी सरकार के दौरान भी रैपिड सर्विस चुनाव हुआ। अब सरकार तो हमारी है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर कहा कि हम न्याय देंगे पिछड़ों को, और हमारी अब मांग है और पहले भी मांग थी, और मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि जाति जनगणना समाजवादी सरकार बनने पर की जाएगी और 3 महीने में करके दिखाई जाएगी। तो आज सरकार पीछे क्यों हट रही है? चुनाव से भागना चाहती है सरकार कि पिछड़ों का हक मारना चाहती है? और आज पिछड़ों का मारा गया है तो कल दलितों का भी हक मारेगी सरकार। और जितने भी सरकार के फैसले हैं, उन फैसलों से ये नजर आता है कि पिछड़े और दलितों की अनदेखी हो रही, बड़े पैमाने पे उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आप बताइए, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये एक वाइस चांसलर के खिलाफ कितनी जांचें हो रही हैं, क्या हुआ, कहां चल रहा है बुलडोजर? क्या बुलडोजर चलेगा उनकी संपत्ति पर? जो संपत्ति उन्होंने कमाई, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? और जो अपॉइंटमेंट किए गए, आप देखिए उसमें पिछड़े और दलितों का क्या अपॉइंटमेंट है उसमें, अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो। टेक्नो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो लोग बैठे हैं, क्या वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं? और इसीलिए भेजा गया है कि वो भेदभाव करें, चाहे वो झांसी की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कानपुर की हो, चाहे इलाहाबाद की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे फैजाबाद की हो, चाहे बांदा की हो, चाहे आपकी बलिया की हो, चाहे सैफई की मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, क्या भेदभाव नहीं हो रहा? और चाहे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हो उसमें भेदभाव नहीं है क्या? जब पिछड़ों का वोट चाहिए तो पिछड़ों के लिए न जाने क्या क्या सपने दिखाएंगे। आज जब वोट दे दिया पिछड़ों ने, तो पिछड़ों को कोई हक और सम्मान नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे ये बता दीजिए, अगर आप ग्लोबल समिट से भागिए मत और विषय से मत भागिए, पहले इसी पे पूछ लीजिए आप। और ग्लोबल समिट में मैं अलग से प्रेस करूंगा, क्योंकि बहुत सारी आपके बीच में भी चर्चा होंगी जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाहोगे। ग्लोबल समिट पे अलग पे बात होगी, लेकिन अभी तो इसी पे सवाल है। देखिए टेक्निकल क्या हो रहा है, ट्रिपल टेस्ट, हाँ कई राज्यों में भी इस तरह के मुद्दे आए हैं जहां पे ओबीसी का आरक्षण इसके चलते प्रभावित हो रहा है, तो क्या इसके लिए संविधान संशोधन की मांग करेंगे? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि चुनाव से भागना चाहती है सरकार, चुनाव को फेस नहीं करना चाहती, क्योंकि आज जनता नकारात्मक राजनीति को दूर कर चुकी है। आपने मैनपुरी का परिणाम देखा, मैनपुरी में पुलिस फोर्स चुनाव लड़ रही थी, अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, खतौली में किस तरीके से
दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई सामने आ गए, उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हराया। और रामपुर का क्या हमने आपने नहीं देखा? रामपुर में भी चुनाव समाजवादी पार्टी जीती। ये जो प्रणाम मिला ये कागजी प्रणाम है, केवल रिजल्ट दे दिया कागज पर, ये जनता का प्रणाम नहीं है। आपने पुलिस फोर्स लगा करके वहां पर वोट नहीं डालने दिया। तो ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है और यूं कहे कि ये सामाजिक न्याय की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। क्या इन्हीं के नेता ने नहीं कहा कि झापड़ मार के या क्या आरक्षण छीन थप्पड़ मार करके, क्या है उनके पिछले नेताओं की आत्मा क्या कह रही है? उसको तो खत्म कर दिया पिछड़ा आयोग सरकार ने, कहां बनाया ना, कहां सुन रहे पिछड़े आयोग की। ये चुनाव से भागने की सब तैयारियां हैं, क्योंकि जहां डेंगू हो रहा वहां इनके नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, कूड़ा भरा पड़ा है, नालियां भरी पड़ी हैं, सीवरेज सिस्टम नहीं चल पा रहा है, ट्रैफिक जाम जगह जगह पर है। इन्होंने किया क्या है पिछले कितने वर्षों से? ये नगर पालिकाएं या टाउन एरिया या मेयर के कब्जा किया है। कानपुर में तो धूल धक्कड़ इतना उड़ रहा है कि पेड़ नहीं पहचान सकते आप, पेड़ों पे इतना गर्दा है। आप बताइए कूड़े के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया सरकार ने, नालों के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया, नमामि गंगे के नाम पर कितनी गंगा और यमुना सफाई के साथ। तो सवाल यह है कि पिछड़े और दलितों का हक मारा जा रहा है। मैं आपका सर्वे होता है, ट्रिपल टेस्ट होता है, तो ये प्रक्रिया 3-4 महीने आगे जाएगी, मार्च अप्रैल। ये सरकार बता, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार सदन बुला ले, जो बात आपके माध्यम से हमसे पूछवा रही है सरकार सदन बुलाए। मैं आपसे पत्रकार साथी सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सदन सरकार क्यों नहीं बुला लेती है? 3 दिन बुलाया, 2 दिन रहे सदन में, 6 घंटा चलाया, छोड़ के चले गए। और ये जो अन्याय हो रहा है, अधिकारी हत्याएं करा रहे हैं, ये याद रखना आप। कन्नौज में अगर जो हत्या हुई है उसके जिम्मेदार वहां के अधिकारी हैं, वहां की विधायक है, ये विषय आज का नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार हत्याएं करा रही है। हम तैयार हैं, आपके मोबाइल पर अगर इन्विटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है, हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं।